भारत की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी टाटा मोटर्स ने अपनी चार कार्स को ऑल ब्लैक कर दिया, जिसको डार्क एडिशन के नाम से बुलाया जाता है। टाटा ने कुछ टाइम पहले अपनी हैरियर का डार्क एडिशन वेरिएंट लॉन्च किया था, लेकिन अब टाटा अपनी हैरियर, नेक्सॉन, नेक्सॉन की ईवी और अल्ट्रोस का डार्क एडिशन वेरिएंट लॉन्च करने वाले हैं, जिसके अंदर कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। और सबसे पहले बात कर ले हैरियर की, तो हैरियर के अंदर आपको 18 इंच के अलॉय व्हील मिलेंगे फुल डार्क तरीके से, लेकिन पहले इसके अंदर आपको 17 इंच के अलॉय व्हील मिला करते थे। केवल 18 इंच के अलॉय व्हील सफारी में ही आया करते थे, लेकिन कस्टमर्स की डिमांड की वजह से टाटा ने अपनी हैरियर के अंदर भी 18 इंच के अलॉय व्हील दे दिए हैं, लेकिन ये केवल 18 इंच के अलॉय व्हील डार्क एडिशन में ही अवेलेबल हैं अभी तक, जिसके अंदर मिलता है आपको फुल्ली डार्क इंटीरियर और जिसके अंदर मिलती है आपको फुल्ली ब्लैक लेदर अपहोल्स्ट्री और आपको सीट्स की हेडरेस्ट के ऊपर आपको डार्क की बैजिंग भी मिल जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा कूल लग रही है। अगर आपने अभी तक कार ऑटो शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। और अब बात कर लें नेक्सॉन की, नेक्सॉन के अंदर भी आपको डार्क ही बैजिंग मिल जाती है और डार्क ही अलॉय व्हील मिलेंगे इसके अंदर, और इसके अंदर आपको डार्क ही देखने को मिलेंगे डोर हैंडल्स। और टाटा नेक्सॉन के अंदर आपको न्यू लुक्स के साथ अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं। इसके अंदर आपको 16 इंच की अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे और इसके अंदर भी आपको फुल्ली डार्क इंटीरियर मिलेगा, जो बहुत ही ज़्यादा कूल और सेक्सी लग रहा है इस सेगमेंट में। और इसके अंदर तो आपको पैनोरमिक सनरूफ मिलती ही मिलती है। और अब बात कर लें नेक्सॉन ईवी की, नेक्सॉन ईवी केवल ब्लू कलर में और भी कई सारे कलर में आया करती थी, लेकिन टाटा ने नेक्सॉन की ईवी को भी फुल डार्क एडिशन में लॉन्च कर दिया है। और इसके रियर में आप देख सकते हैं, इसके अंदर इसके रियर में आपको डार्क बैजिंग मिलती है नेक्सॉन की। और अब बात कर लें मोस्ट फेमस टाटा अल्ट्रोस की, जो इंडिया की सेफेस्ट हैचबैक है, जिसको ग्लोबल एनसीएपी में 5/5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जिसके अंदर यूज़ किया जाता है अल्फा आर प्लेटफॉर्म। इसके भी अलॉय व्हील बिल्कुल डार्क कर दिए गए हैं, इसके अंदर आपको अलॉय मिल जाते हैं 16 इंच के और इसका भी इंटीरियर आपको फुल्ली डार्क देखने को मिलेगा। और इन सभी गाड़ियों के अंदर आपको ज़बरदस्त सेफ्टी मिल जाती है, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स आपको इन सभी गाड़ियों में मिलते ही मिलते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि टाटा की हैरियर के अंदर आपको ओमेगा आर प्लेटफॉर्म मिलता है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, जो प्लेटफॉर्म डिस्कवरी से लिया गया है। हालांकि इसका अभी तक कोई भी क्रैश टेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन आई थिंक इसका क्रैश टेस्ट किया जाएगा तो ये 5/5 स्टार तो क्रॉस करेगी करोगी। अगर आपने अभी तक कार ऑटो शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे।